चलो कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ प्लांट फिजियोलॉजी का। तब तक बेसिक कुछ सीख लो, जब तक प्रॉपर तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती। अभी तो बेसिक थोड़ा सा चलेगा, 5-6 क्लास। ठीक है, देखो ध्यान से कुछ ट्रिक्स बताता हूँ प्लांट न्यूट्रिशन का। ना ध्यान से सुनना, प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट है ना चैप्टर का नाम। देखो ध्यान से, प्लांट के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे। देखो सिंपल सा, हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी एलिमेंट से बने, सभी कार्बन से बने होंगे। हाइड्रोजन होगा हमारे अंदर, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होंगे, फास्फोरस होंगे, हम सभी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ना। मैं कुछ ना कुछ तो एलिमेंट से बना हूं। ये मोबाइल, ये भी तो कोई एलिमेंट से ही बना होगा। प्लांट है, वो भी कोई एलिमेंट से बना होगा। पत्थर है, वो भी कोई एलिमेंट से बना होगा। तो सभी के अंदर एलिमेंट तो है। हमें पता करना है कि प्लांट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। ध्यान से सुनिए, प्लांट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक, सबसे एनसीईआरटी में देखिएगा बच्चा, टिल डिस्कवर्ड अभी तक 105 एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुए हैं। मुझे मालूम है इससे ज्यादा हो चुके, हमें मालूम बच्चा 105 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है कि 105, जब का डेटा दिया हम उसी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी ने जो डेटा दिया वही वही फॉलो करते हैं। तो कहता है कि 105 एलिमेंट में प्लांट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता होगा। जो तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, क्या प्लांट के अंदर गोल्ड होगा, क्या प्लांट के अंदर में बच्चा जिंक होगा। हाँ, तो कहते हैं एनसीईआरटी बच्चा कि कुछ प्लांट ऐसे बच्चा जिसके अंदर गोल्ड भी पाए गए, गोल्ड भी पाया गया, सब जो गोल्ड पाए गए। कुछ ऐसे प्लांट है, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, जिसके अंदर गोल्ड पाया गया। अरे तो बड़ा कमाल का चीज है भाई, लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। ऐसा नहीं सोच रहा, प्लांट को लाएंगे और उसको उसमें से गोल्ड निकाल लेंगे, फिर हम करोड़पति बन जाएंगे। नहीं ना, इसलिए प्लांट का नाम नहीं बता। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर में स्ट्रॉन्शियम पाया गया, जो रेडियो एक्टिव है, जो रेडियो एक्टिव है बच्चा, वो प्लांट के अंदर पाया गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लांट के अंदर। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट है जिसके अंदर सिलेनियम पाए गए। नॉर्मली कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही होता है, लेकिन प्लांट के अंदर में 60 से ज्यादा एलिमेंट पाए गए, 60 से ज्यादा, मोर देन 60 एलिमेंट ना पाए गए। सर कैसे, हम प्लांट में से कैसे पता करेंगे कि गोल्ड है कि नहीं है, जिंक है या नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि प्लांट के अंदर से एलिमेंट कौन कौन से हम पता कर सकते हैं ना, एलिमेंट एनालिसिस के थ्रू। बच्चा बहुत आसान सा है ना, कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं कीजिए। आपके घर के पास कोई प्लांट होगा, मैंगो का प्लांट होगा, पीपल का प्लांट होगा, अमरूद का प्लांट होगा, कोई प्लांट का बच्चा 100 ग्राम, पूरे प्लांट को मारिए नहीं, मारना नहीं है प्लांट को, 100 ग्राम उसके पार्ट को काट करके लेते आइए। 100 ग्राम काट करके लेते आइए, 100 ग्राम लेते आइए। वेट, इस वेट को कहते हैं बच्चा फ्रेश वेट, यानी प्लांट का जो टुकड़ा आपने लेकर के आया उसे हम लोग कहेंगे फ्रेश वेट, WT मतलब वेट। ठीक, अब क्या कीजिए, उसे बच्चा लोग हाई टेम्परेचर दे दीजिए, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस दे करके 2 दिनों तक छोड़ दीजिए। क्या होगा, उसके अंदर जो भी वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। हमें तो मालूम है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में लगभग 80 से 90% पार्ट तो वाटर ही होता है, 80 से 90% पार्ट तो वाटर ही होता है। सर कहाँ, बायो मॉलिक्यूल्स में लिखा है कि किसी भी सेल का अगर कंपोजिशन देखिएगा तो बच्चा लगभग 80% से ज्यादा पार्ट जो है वो वाटर ही होगा। ठीक है, तो हमने यहां से सारा वाटर को वेपराइज कर दिया, यानी गर्म किया, हमने उस प्लांट के टुकड़े को हीट दिया, सारे वाटर निकल गए। अब जो वेट बचा उसके अंदर वाटर नहीं है, इसे आज से कहेंगे ड्राई वेट। ड्राई वेट, अब समझ में आया, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। आप गए, आम का पेड़ था, उसे थोड़ा सा बच्चा बीच से काट लिया, 100 ग्राम लेते आए, वो फ्रेश वेट है, उसे हीट कर दो, सारे वाटर निकल जाएंगे, तो वो हो जाएगा बच्चा ड्राई वेट। ड्राई वेट, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग हाई टेम्परेचर पे कंबशन कर देंगे, जला देंगे।
हाई टेम्परेचर पे कंबशन करेंगे, उसे जला देंगे। जला दीजिएगा, लकड़ी को जलाइएगा तो क्या निकलेगा, उसके अंदर से जो भी कार्बन होंगे CO2 के फॉर्म में निकल जाएंगे, जो भी बचा नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। प्लांट को जलाइएगा, सल्फर के ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगे। कंबशन से बेटा वाटर भी बनता है, वाटर भी निकलेगा ना। अब बच्चा क्या बच जाएगा, ऐश यानी राख बच जाएगा। बच्चा राख बच गया, ऐश बच गया, राख बच गए ना। प्लांट को जला दो, लास्ट में राख बचेगा ना। अब इसी राख के अंदर, ऐश के अंदर से ढूंढिए बच्चा, वही मिल जाएगा आपको। जिंक मिला या नहीं मिला, कोबाल्ट मिले या नहीं मिले, मैग्नीशियम मिला या नहीं मिला, आयरन मिले या नहीं मिले, बेटा ढूंढिए ऐश एनालिसिस, वहां से ढूंढिए बच्चा। उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट, जिंक हवा में थोड़ी उड़ जाएगा, कोबाल्ट हवा में थोड़ी उड़ जाएगा, आयरन बच्चा हवा में थोड़ी उड़ जाएगा ना। ये तो क्या है, ये तो मेटल्स है ना, वो तो राख में ही रह जाएंगे। तो यहां से आप बच्चा पता कर लीजिए उस प्लांट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए गए। अरे जो कार्बन था वो बच्चा, वो तो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया, चलिए कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड में निकल गया। सल्फर सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया। हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकल गया। बाकी बच्चा, बाकी जो बच गए वो क्या हवा में उड़ जाएंगे? तुम लकड़ी को जलाते हो क्या पूरा 100% हवा में उड़ जाता है? नहीं, जो राख बच गया वहां से आप पता कर लीजिए बच्चा कि 100 ग्राम प्लांट में जिंक कितना अमाउंट में था, 100 ग्राम प्लांट के अंदर में जिंक कितना था, कोबाल्ट कितने थे, मैग्नीशियम कितना था, आयरन कितने थे, आप पता कर सकते हो। आप पता कर सकते हो बेटा पीपल के पेड़ में क्या क्या एलिमेंट पाया जाए। आप पता कर सकते हो कि बच्चा जो आपका बरगद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, इमली का पेड़ है, उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा, आप पता कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने पता किया तो बोला ना 60 एलिमेंट से ज्यादा प्लांट के अंदर पाए गए। अलग अलग प्लांट पे रिसर्च किया, बहुत सारे प्लांट को इसी तरह से देखा, तो उन्होंने बताया 60 से ज्यादा एलिमेंट जो है प्लांट के अंदर पाए गए। तो क्या ये सारे 60 प्लांट, किसी के अंदर बेटा गोल्ड भी पाया गया? कैसे पता किया होगा, आप समझ में आया बता दे तो। गोल्ड मस्टर्ड प्लांट में पाया गया, मस्टर्ड प्लांट में, सरसों का प्लांट में। ऐसा मत करना आप जाकर के सरसों का प्लांट तोड़ लेना, हाँ हम तो करोड़पति बन गए, इसमें तो गोल्ड पाया जाता है ना, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तुम्हें मिलेगा भी नहीं। चलिए, किसी के अंदर स्ट्रॉन्शियम पाया गया, किसी के अंदर बच्चा सेलेनियम पाए गए। लेकिन क्या हर ये 60 प्लांट लाइफ में एसेंशियल है क्या? क्या सारे प्लांट बेटा, प्लांट क्या सारे एलिमेंट प्लांट को जरूरी है? क्या 60 प्लांट प्लांट के लाइफ के ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ना, डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? तो पता चला नहीं। नहीं, ध्यान से सुनिए, आउट ऑफ 60 जो 60 एलिमेंट से ज्यादा प्लांट के अंदर पाए गए, उनमें से बच्चा 17 जो एलिमेंट है, 17 जो एलिमेंट है वो प्लांट के लाइफ के लिए बच्चा एसेंशियल है। तो पहला क्वेश्चन नीट का बन गया, प्लांट को कितने एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत है, हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड इन प्लांट। आंसर बेटा 17, आंसर बच्चा 17। सर एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन है, सर एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन है बताइए ना एक बार। ये बच्चा किसे हम एसेंशियल मानेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया, रूल रखा गया, उसके लिए बच्चा रूल रखा गया, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, हम एसेंशियल एलिमेंट किसे मानेंगे, कोई क्राइटेरिया बताइए। तो हमारा टॉपिक था बच्चा क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। अब देखो जो 17 एलिमेंट है, कुछ उसमें से बच्चा 17 एलिमेंट जो है उनमें से बच्चा कुछ प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उसे कहेंगे बच्चा मैक्रोन्यूट्रिएंट। 17 सभी को चाहिए, जो भी प्लांट है, जो भी प्लांट है 17 एलिमेंट तो उसके लाइफ के लिए मस्ट है। अब 17 में कुछ ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इसे कहेंगे बच्चा मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसे क्या कहेंगे, नाम में लिखा है बच्चा मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब ज्यादा, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और कुछ है ऐसे जिसे 17 में से कम क्वांटिटी में चाहिए, इसे कहेंगे
माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है और ये एक मिनट में याद हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी, डिफिनेशन फिर से बता दूं, 17 एलिमेंट लाइफ के लिए जरूरी, कुछ ज्यादा चाहिए, कितना ज्यादा, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। एक केजी ड्राई वेट में इसकी क्वांटिटी 10 मिलीमोल से ज्यादा होनी चाहिए। एक नॉर्मल प्लांट है, जला दिया एक केजी को, ड्राई वेट को, उसमें कितना होना चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल। और जिसके रिक्वायरमेंट प्लांट को कम है, 10 मिलीमोल से कम है पर केजी ऑफ ड्राई वेट, जिसकी क्वांटिटी प्लांट को कम चाहिए, तो माइक्रो। सर एग्जांपल बताइए, एग्जांपल बच्चा एक मिनट में याद करना है सभी को लाइफ टाइम के लिए। मैक्रो के अंदर बच्चों लोग 9 एलिमेंट है, माइक्रो के अंदर बेटा 8 एलिमेंट है। सर कौन कौन, चलिए याद करा देता हूं बेटा। यहां देखिए, यहां पर लिखो चॉप, CHOP चॉप, चॉप लिखा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, चॉप, किन्स, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, चॉप किन्स का मैगी, चॉप किन्स का मैगी। इतना याद रहेगा तुम लोगों को हमेशा के लिए, हो गया 9 हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, चॉप, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, किन्स का मैगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 9 जो है वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट। सर माइक्रो, हा माइक्रो कितने चाहिए, 8 चाहिए। सर कौन कौन, कौन कौन, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। मन ध्यान से सुनना, मन को जीत यानी मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मन को जीत। बोल मत यानी बोरॉन और मोलिब्डेनम, बोल मत, मन को जीतना है, बोलना नहीं। किसे बोला जा रहा है, FeCl and nickel हो गए, याद हो गया। 8 कौन कौन से, मन मतलब बेटा मैग्नीज, को कॉपर, जिंक, जेडन, मन को जीत, बोल मत यानी बोरॉन एंड मोलिब्डेनम, बोल मत, Fe यानी आयरन, Cl यानी क्लोरीन, Ni निकेल। क्या बच्चा भेजे में चली गई, हमेशा के लिए याद हो गया ना, मैक्रोकॉन माइक्रोकॉन हमेशा के लिए याद हो गया, मैक्रो का एग्जांपल, माइक्रो का एग्जांपल। एसेंशियल एलिमेंट 17, ज्यादा मैक्रो, कम अमाउंट माइक्रो, कौन है मैक्रो, चॉप किन्स का मैगी याद हो गया। सर माइक्रो शाम में वापस रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, याद हो जाएगा। मन को जीत, बोल मत, FeCl निकल, याद तो हो गया। माइक्रो कम अमाउंट में चाहिए, इसलिए ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। आप देखिएगा एनसीईआरटी में मिलेगा, ट्रेस मतलब क्या होता है बच्चा, बहुत कम, ट्रेस एलिमेंट, ट्रेसर नहीं बच्चा, ट्रेसर नहीं, वो तो डिटेक्शन में होता है, ट्रेस एलिमेंट जो कम अमाउंट में चाहिए, कौन है, माइक्रो इज ऑल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट। एक काम का चीज बता दो, पहले बच्चा एक कंफ्यूजन था साइंटिस्ट में, आयरन कहां रखा जाए। कुछ साइंटिस्ट बोलते थे आयरन को मैक्रो में रखो, आयरन बहुत जरूरी है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए आयरन मैक्रो में। लेकिन बाद में पता चला नहीं, आयरन जरूरी तो है लेकिन क्वांटिटी कम चाहिए, 10 मिलीमोल से कम चाहिए, तो साइंटिस्ट ने कहां रख दिया बच्चा, माइक्रो में। आज कहां रखा हुआ है आयरन आपके एनसीईआरटी में, कहां है, हमने कहां पढ़ा आयरन, कहां पढ़ा, माइक्रो। लेकिन माइक्रो में सबसे ज्यादा कौन चाहिए, माइक्रो में किस एलिमेंट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा चाहिए प्लांट को, आंसर बच्चा आयरन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बताइए माइक्रो में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट चाहिए, माइक्रो में तो बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा कौन चाहिए, हाँ तो आंसर कीजिएगा बच्चा आयरन
और सबसे कम अमाउंट अगर पूछा जाए तो आंसर कीजिएगा बच्चा मोलिब्डेनम, सबसे कम पूछा जाए तो आंसर कीजिएगा मोलिब्डेनम। मेरे वैसे ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। एमंग माइक्रो सबसे कम आयरन, सबसे ज्यादा मोलिब्डेनम, ध्यान सुना। लेकिन कुछ हायर प्लांट में इस 17 एलिमेंट के अलावा, सभी हायर प्लांट में नहीं बच्चा, कुछ हायर प्लांट में, सभी प्लांट नहीं, कुछ हायर प्लांट इस 17 के अलावा कुछ और चार एलिमेंट जरूरी है, फोर एलिमेंट, इसके एक्स्ट्रा चार एलिमेंट और जरूरी है लाइफ चलाने के लिए। 17 तो चाहिए चाहिए, चार एलिमेंट और एक्स्ट्रा चाहिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए। वो कुछ एक्स्ट्रा करते थे, अभी बता रहा हूं। तो एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट की जरूरत है, इसे कहा गया बेनिफिशियल एलिमेंट। कुछ हायर प्लांट में एक्स्ट्रा फंक्शन करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट की जरूरत थी, जिसे हमने कहा बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट सभी को नहीं चाहिए, और नॉर्मल फंक्शन नहीं बचा, कुछ एक्स्ट्रा काम करने। सर कौन कौन है बेनिफिशियल एलिमेंट, कौन कौन है? ट्रिक्स दे रहा हूं। चार में से बच्चा तीन का नाम एस से स्टार्ट होगा, एस मेरे नाम से स्टार्ट होगा एस से। जैसे आएगा बेटा सोडियम, जैसे आएगा बच्चा सोडियम, जैसे आएगा बच्चा सिलिकॉन, जैसे आएगा बच्चा सिलेनियम, और आएगा बच्चा कोबाल्ट। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, तीन एस से, सोडियम सिलिकॉन सेलेनियम और एक बच्चा क्या है कोबाल्ट। ये चार याद रखिएगा बेनिफिशियल है, सभी प्लांट को नहीं चाहिए, कुछ स्पेशल प्लांट को चाहिए। जैसे कोबाल्ट की बात करता हूं, ये बच्चा जो प्लांट नोड्यूल्स बनाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए ना, सभी प्लांट नहीं बनाते, कुछ प्लांट नोड्यूल्स बनाते, तो उनको नोड्यूल बनाने के लिए कोबाल्ट चाहिए, कोबाल्ट चाहिए ना। इसी तरह से ग्रास को अंदर में हार्डनेस चाहना है ना, ग्रास अपने आप को मजबूत करना चाहता है, उसे सिलिका चाहिए, सिलिका चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, चलो यहां तक समझ में आ गई, फटाफट हैंड रेस करो, यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्या यहां तक आपको बात समझ में आती है आसान से भाषा में? कर लोगे? कौन है भाई प्लांट किंगडम का शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए? हाँ भाई, पिछले क्लास में दे दिया है, मुझसे ले लेना लेक्चर। पिछले क्लास में हमने प्लांट किंगडम ही किया था, पिछले क्लास में प्लांट किंगडम ही किया था। चलिए अब हम लोग आगे चले। सर आपने बोला 17 एलिमेंट एसेंशियल है, ठीक है सर, मान लो सर इस एसेंशियल एलिमेंट की अगर हम कमी कर दे तो क्या होगा? हाँ सर, आपने बोला एसेंशियल एलिमेंट लाइफ के लिए जरूरी है, मैं कहता हूं कि मान लो 100 जरूरी है, 100 जरूरी है, 100 आयरन चाहिए प्लांट को रोजाना, मान लो रोजाना 100 आयरन चाहिए। सर मैं 100 नहीं दूंगा तो, सर मैं 100 नहीं दूंगा आयरन तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? अरे एक दिन चलेगा, दो दिन चलेगा, तुम्हें रोजाना चार रोटी खाना है, चलो एक दिन तीन रोटी खा लिया, उसके अगले दिन भी तीन रोटी खाया, रोजाना बेटा तीन रोटी खाओगे तो तुम्हारे अंदर में डिफिशियंसी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्लांट में एसेंशियल एलिमेंट की आपने कमी कर दी, डिफिशियंसी कर दी तो प्लांट के अंदर में बच्चा बीमारी हो जाएगा, सिम्टम अपियर हो जाएगा। क्या अपियर हो जाएगा? सिम्टम यानी बीमारी अपियर हो जाएगा। वो बच्चा क्लोरोफिल नहीं बनाएगा, सेल का डिवीजन नहीं कर पाएगा, हरे रंग से पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं डिफिशियंसी सिम्टम। तुम्हें विटामिन ए चाहिए था, 100 मिलीग्राम नहीं मिल रहा है, तुम्हें 50 ग्राम मिल रहा है, 30 ग्राम मिल रहा है, तो तुम्हारे अंदर कमी हो जाएगी तो तुम्हारे आई देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है ना। इसी तरह से प्लांट में डिफिशियंसी सिम्टम यानी कि डिजीज अपियर होने लगेगा, सिंपल भाषा में बोले तो डिजीज होने लगेगा। सर क्या डिजीज, कौन कौन सा?
ध्यान से सुनो। पहला डिजीज एनसीईआरटी में बच्चे लोग क्लोरोसिस हो जाएगा। सर ये क्या होता है क्लोरोसिस? जो प्लांट हरे रंग का है वहां क्लोरोफिल टूटने लगेंगे, और क्लोरोफिल टूटने लगेंगे तो प्लांट हरे रंग से बेटा कन्वर्ट होने लगेगा, येलोइंग, येलोइंग ऑफ प्लांट, प्लांट पीले रंग में कन्वर्ट होने लगेगा। क्लोरोसिस हो रहा है यानी कि हरा रंग टूट रहा है तो पीलापन आने लगेगा, और पीला हो गया तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो फूड कैसे बनाएगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा सिम्टम दे रखा है नेक्रोसिस। सर नेक्रोसिस क्या होता है? जो प्लांट के टिश्यू है, जो प्लांट के अंदर बच्चा ये देखिए लीफ, यहां टिश्यू है, ये सब टिश्यू वहां डेड होने लगेगी, यंग स्टेज में, यंग स्टेज में ही टिश्यू का डेथ होने लगेगा, डेथ होने लगेगा। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है बोलिए? डेथ ऑफ यंग टिश्यू। अरे ओल्ड में तो होता ही होता है, डेथ ऑफ यंग टिश्यू, यंग स्टेज में ही टिश्यू का डेथ होने लगेगा। ओल्ड में होता है उसे तो हम सेनेसेंस कहते हैं, ओल्ड में होगा उसे तो हम बच्चा सेनेसेंस कहेंगे, लेकिन अगर यंग में होने लगे तो उसे हम नेक्रोसिस कहेंगे, ठीक है। तीसरा ठीक है, सेल डिवीजन। बेटा सेल का जो डिवीजन है वो घटने लगेगा, सेल का जो डिवीजन है वो घटने लगेगा, इनहिबिशन होने लगेगा, रुकने लगेगा। सेल का जो डिवीजन हो रहा है, अरे सेल डिवाइड करेगा तो नए सेल बनेंगे, नया सेल बनेगा तो प्लांट का ग्रोथ होगा। तो अगर एलिमेंट की कमी कर दे सेल का डिवीजन रुक जाएगा, यानी ग्रोथ रुक जाएगा। चलिए तीसरा सिम्टम ये हो सकता है। चलिए चौथा, डिले इन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग होगा लेकिन उसमें डिले हो जाएगा, डिले इन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग होगा, मान लीजिए बच्चा मार्च में फ्लावरिंग होना था, लेकिन आपके अंदर में, प्लांट के अंदर में मान लो कैल्शियम की कमी हो गई या मैग्नीशियम की कमी हो गई, अब वो फ्लावरिंग बच्चा मार्च की जगह जून में हो रहा है, जून में हो रहा है, डिले हो गया तो पॉलिनेशन में प्रॉब्लम होगा, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, यानी प्लांट के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, चार तरह की बीमारियां हमें अपीयर हो सकती है। चलिए किस एलिमेंट की कौन सी कमी होगी, कौन सी बीमारी होगी, एक क्वेश्चन नीट में आ जाएगा, एक ट्रिक्स दूंगा याद हो जाएगा, नीट में एक क्वेश्चन यहां से पक्का आने वाला है, वन क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है, सीख लीजिए आसानी से याद हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस। तुम बताओ क्लोरोसिस का मतलब क्या होगा, क्लोरोसिस में क्या हो जाता है? क्लोरोसिस का मतलब जब प्लांट है यंग स्टेज में, हरे रंग का है, क्लोरोफिल टूटने लगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो गया, पीलापन आ गया। सर क्यों आया, इसका रीजन बताइए, किस एलिमेंट की कमी से? ध्यान से सुनो, इसके लिए एक एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट की कमी से ऐसा हो सकता है। सर कौन कौन? एनसीईआरटी में गिवन है, पढ़ेंगे अभी, पेज नंबर 200 अभी पढ़ेंगे एनसीईआरटी। सर कौन कौन है? चलो ट्रिक्स बता देता हूं, नमो, नमो नाइट्रोजन की कमी से भी हो सकता है, मोलिब्डेनम की कमी से भी हो सकता है, नमो। फेक, एफी आयरन, के मतलब पोटेशियम, फेक। मंजन, मन, मन जन, मग से, मग से। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, अब कौन कौन से एलिमेंट की कमी से हो सकता है क्लोरोसिस बताओ? नाइट्रोजन की कमी हुई तो क्लोरोफिल बनना बंद हो जाएगा, या मोलिब्डेनम की कमी हुई, MO4 मोलिब्डेनम, Fe4 आयरन, K4 पोटेशियम, Mn मैग्नीज, Zn जिंक, Mg मैग्नीशियम, S सल्फर। इसमें किसी की भी कमी कर दी, इसमें से आपने किसी की भी कमी कर दी तो प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल टूटने लगेगा, क्लोरोफिल खत्म होने लगेगी, क्लोरोसिस हो जाएगा। हाँ, तो एक एलिमेंट की कमी नहीं, बहुत सारे एलिमेंट की कमी से क्लोरोसिस हो सकता है। चलिए सेकेंड बीमारी कौन सा था? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होगा? जो टिश्यू है
यंग स्टेज में ही मरने लगेगा, टिश्यू का यंग स्टेज में ही डेथ हो जाएगा, नेक्रोसिस। सर किसकी कमी से? एक ट्रिक्स दे देता हूं, कुक, कुक का मैगी, इतना याद रहेगा, कुक का मैगी। मतलब चार एलिमेंट कौन कौन है? Cu4 कॉपर, K4 पोटेशियम, Ca4 कैल्शियम, Mg4 मैग्नीशियम। ऐसे याद रखो, किसी को भूख लगा है, भूख लगे मुझे, मेरा टिश्यू का डेथ हो रहा है, किसकी कमी से भाई? एलिमेंट की कमी से। अब मैंने क्या किया? कुक किया, बनाया, कुक मतलब बनाना, मैगी, मैंने मैगी बनाया, दे दिया भाई, मुझे भूख लगा था, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरे टिश्यू डेथ हो रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि मुझे भूख लगा था, तो मैंने क्या बनाया? कुक किया मैगी और खा लिया, प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो याद रखना है कौन कौन है? कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, चल दो याद हो गए। थर्ड देखे, थर्ड है कौन सा था बोलो? इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। ध्यान से देखना, ट्रिक्स अच्छे से याद कर लेना, याद हो जाएगा एक बार। ध्यान से देखो, मान लो ये सेल है, ये मान लो बच्चा सेल है, और इस सेल को रोजाना 100 बार डिवाइड करना है, कितने बार? 100 बार डिवाइड करना है, तो 900 नए सेल बनेंगे। ये सेल है, उसको 100 बार डिवाइड करना है, बोले ठीक है। अगर बच्चा 100 के जगह 150 बार कर जाए, तो 100 बार करना था लेकिन 150 बार कर गया, तो एक दिन में 100 ही बार करना था, लेकिन अगर 150 बार कर गया तो तुम बोलोगे सर प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, सेल डिवीजन 100 करना था, अब 150 टाइम्स कर रहा है, प्रमोशन हो गया। लेकिन अगर मान लो 100 करना था लेकिन बच्चा 70 बार किया, एक दिन 100 बार डिवाइड करना था लेकिन उसकी जगह पे 70 बार किया, घट गया, तो बोलेगा सर प्रमोशन नहीं हुआ, ये तो सर डिमोशन हो गया, डिमोशन हो गया यानी कि उसमें कमी होगी, प्रमोशन मतलब बढ़ना, हम तो घटा दी, तो मैंने एक ट्रिक बना दिया, ये को याद कर लो, कमोशन, बस, यानी कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन में कमी हो रहा है, तो याद कर लो कमोशन। चार एलिमेंट कौन कौन से हो गए? K4 हो गया पोटेशियम, MO4 मोलिब्डेनम, S4 सल्फर, N4 नाइट्रोजन। क्या याद हो गया? ट्रिक से याद कर लो, इनिबिशन घट गया यानी कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, डिमोशन कमोशन हो रहा है, तो पोटेशियम, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन, ये चार रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन को रोकने के लिए। चलो लास्ट कौन सा था? डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग, फोर्थ बीमारी कौन सी अपीयर हो जाएगी? डिले इन फ्लावरिंग। बहुत आसान, ऊपर का शॉर्ट ट्रिक क्या था? कमोशन, ऊपर में क्या ट्रिक दिया था? कमोशन। डिले इन फ्लावरिंग में केवल मोशन आ जाएगा, डिले इन फ्लावरिंग में केवल मोशन आ जाएगा, मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन। चलो अब किसे किसे याद हो गया बताओ, अब बताओ किसे किसे ये ट्रिक्स याद हो जाएगा, फटाफट बताओ। अब आएगा क्वेश्चन, क्लोरोसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कर दोगे? क्या शॉर्ट ट्रिक बताया क्लोरोसिस का? क्या शॉर्ट ट्रिक दिया था? नमो, फेग, मंजन, मक्से। एक बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। नेक्रोसिस, जिसमें टिश्यू का डेथ हो जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कुक का मैगी, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का रेट बढ़ने की जगह घट गया, कमोशन। फ्लावरिंग डिले हो गया, तो केवल क्या याद रखना है? मोशन, मोशन। चलो बताओ अब फटाफट हैंड रेस करो, किसे किसे क्लियर हो गया या मैसेज करो समझ में नहीं आया था। चलो बोलो 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 बोलो, अब क्या और कितना बच्चों को तरह बता दो, एकदम शॉर्ट ट्रिक से तो याद होगी, ठीक है, याद रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं करोगे। चलो कोई गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ता, बच्चा पढ़ता है समझ में नहीं पाता। यहां देखो
क्लोरोसिस एक बीमारी है क्या बच्चा, एक ही एलिमेंट की कमी से हो रहा है? तुम बताना, क्लोरोसिस जो बीमारी क्या एक ही एलिमेंट की डिफिशियंसी से हो रहा है या एक के ज्यादा एलिमेंट की डिफिशियंसी से हो रहा है, बताओ तो। क्लोरोसिस क्या केवल नाइट्रोजन की कमी से या आयरन की भी है, मैग्नीज की भी है, मैग्नीशियम की भी है, सल्फर की भी ना? तो क्या क्लोरोसिस केवल एक एलिमेंट की कमी से? नहीं सर, एक से ज्यादा एलिमेंट से। देखो क्लोरोसिस में तो ये 9 एलिमेंट की डिफिशियंसी से हो रहा है, नेक्रोसिस ये 4 एलिमेंट की डिफिशियंसी से हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, सेकेंड लाइन, अगर तुमने ध्यान से देखो, अगर तुमने नाइट्रोजन की कमी कर, नाइट्रोजन की कमी, मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं डाला, मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं डाला तो क्या होगा? नाइट्रोजन नहीं डाला तो बच्चा, नाइट्रोजन नहीं डाला तो क्लोरोसिस भी हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं डाला तो देखिए आपका इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में भी प्रॉब्लम होगा। नाइट्रोजन नहीं डाला तो डिले इन फ्लावरिंग में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आपने एक एलिमेंट की कमी की तो एक से ज्यादा तरह के सिम्टम अपियर हो सकते हैं। फिर से सीखो, मैंने बोला मान लो तुमने सल्फर की कमी कर दी, तुमने सल्फर की कमी कर दी, सल्फर गया, क्लोरोसिस हो जाएगा। सल्फर की कमी की इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो जाएगा, डिले इन फ्लावरिंग हो जाएगा। तो सल्फर की कमी से एक से ज्यादा सिम्टम हो सकते हैं। तो एक एलिमेंट की कमी से एक से ज्यादा सिम्टम भी पॉसिबल है। और दूसरा लाइन क्या है एनसीईआरटी का, एक सिम्टम को, एक सिम्टम, एक एलिमेंट की कमी से नहीं, एक से ज्यादा एलिमेंट की कमी से भी पॉसिबल है। जैसे नेक्रोसिस एक एलिमेंट नहीं, 4 एलिमेंट की कमी से पॉसिबल है। डिले इन फ्लावरिंग एक एलिमेंट नहीं, 3 एलिमेंट की कमी से डिले इन फ्लावरिंग हो सकता है। तो चलो ये हम एनसीईआरटी पे चेक कर, चलो सबसे पहले अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप लोगों से क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं। चलिए बताइए फटाफट, टिल नाउ हाउ मेनी एलिमेंट डिस्कवर्ड? चलिए मैंने बताया था, हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो वाला नहीं बताना है, जो एनसीईआरटी में गिवन वो बताना है। टिल डिस्कवर्ड हाउ मेनी, टिल नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड? चलिए आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताओ कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे? मैंने बोला था आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। चलो सभी लोग आंसर करो, सभी भूल गए क्या? चलो सेकंड बताओ, हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट, प्लांट के लाइफ के लिए कितने एलिमेंट है जो उसके लाइफ को चलाने के लिए मस्ट है? हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट? बोलो, ये तो बता सकते हो। हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन साइड द प्लांट? आंसर 17। चलो ध्यान से सुनो, 17 को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जो ज्यादा मैक्रो, कम अमाउंट में माइक्रो। मुझे बताओ, चलो मैं देखता हूं, मुझे बताइए कितने एलिमेंट मैक्रो की कैटेगरी में थे, कितने एलिमेंट मैक्रो के कैटेगरी में थे? कुछ मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, देखता हूं, बोलो कितने? 8, 9 कितने थे? 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट, 9। कौन कौन से मैसेज मिले, कौन कौन से थे? चलो बोल भी सकते हो, अब इतना लिखते लिखते टाइम निकल जाएगा। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, बोलो फटाफट। चॉपकिंस का मैगी, चॉपकिंस का मैगी। चलो बताओ माइक्रो का मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताया था, बोलो। माइक्रो का मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, मैसेज भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो। क्या बताया था मैंने, भूल गए? अरे सिंग, हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो भाई, इतना जल्दी भूल गए? आयरन, अरे आयरन, मन को जीत, बोल मत, FeCl निकेल, मन को जीत, बोल मत, FeCl निकेल। अरे भाई चलो पढ़ो ध्यान से, यहाँ पास मैक्रोन्यूट्रिएंट एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी में ढूंढिए क्या लिखा है। पहला डिफिनेशन पढ़िए, 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा होना चाहिए। पहला डेफिनेशन मैक्रो, मोर देन 10 मिलीमोल पहला मिला।
अब एग्जांपल ढूंढो चॉपकिंस का मैगी, मैक्रोन्यूट्रिएंट में ढूंढिए चॉपकिंस का मैगी, किसे किसे जिसे मिला हैंड रेस कर, एनसीईआरटी पढ़कर जिसे जिसे चॉपकिंस का मैगी मिल गया हैंड रेस करेगा, ठीक है मिल गया, चलिए ठीक है। चलिए अब बताइए कम अमाउंट में चाहिए उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे, कम चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे, 10 मिलीमोल से कम डेफिनेशन पढ़िए और ढूंढिए बच्चा एग्जांपल 8 एग्जांपल, कौन 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 बताया था, मन को जीत बोल मत FeCl एंड निकल, फटाफट ढूंढो जिसे मिल गया हैंड रेस करना, जिसे मिल गया हैंड रेस करना वो 8 एलिमेंट, मन को जीत बोल मत FeCl एंड निकल, चलो मिल गया, चलिए वही ढूंढिए। हम ट्रेस एलिमेंट किसे कहते हैं बताइए, हु इज नोन एज ट्रेस एलिमेंट, मैक्रो या माइक्रो, ट्रेस एलिमेंट माइक्रो 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 एलिमेंट लिखा है ना, माइक्रो के बगल में लिखा है ना, और ट्रेस एलिमेंट। चलो सेकंड बताओ ध्यान से, चार एलिमेंट इसके अलावा हायर प्लांट्स को चाहिए जिसे बेनिफिशियल एलिमेंट कहते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट कहते हैं, उसमें चार में से तीन एस से होंगे, सोडियम सिलिकॉन सेलेनियम एक होगा कोबाल्ट, ढूंढ करके बताओ क्या तुम्हें मिला, क्या तुम्हें बच्चा बेनिफिशियल एलिमेंट दिखता है कहीं पास, जिनका हैंड रेस करो, देखो एनसीईआरटी में पढ़ो, इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट, इस 17 एलिमेंट के अलावा हमें चार एलिमेंट और मिलेंगे, कौन कौन,